हाय एवरीवन, आज मैं करूंगी साहो मूवी का रिव्यू। रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी और जो साहो मूवी में जो एक्टर हैं वो प्रभास है, हीरोइन श्रद्धा कपूर है और नील नितिन मुकेश है और काफ़ी सारे एक्टर हैं, चिंकी पांडे हैं अपने और जैकी श्रॉफ है, काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो इस मूवी में हैं। जो प्रभास हैं वो एक अंडरकवर एजेंट बने हुए हैं, श्रद्धा कपूर एक पुलिस वाली बनी हुई है और नील नितिन मुकेश वो चोर बने हुए हैं। अब क्या होता है, अब शहर में काफ़ी सारी चोरियां हो रही होती हैं तो पुलिस को एक टास्क दिया जाता है कि जो प्रभास है और श्रद्धा है वो टीम बनके इस चोर को ढूंढे, क्योंकि चोर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है तो वो ऐसी चोरियां कर रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो स्मार्ट प्लेयर दिखाया गया है वो प्रभास को दिखाया गया है इस मूवी में। अब दोनों मिलके उस चोर को ढूंढते हैं तो बाद में पता चलता है जो चोर है वो प्रभास ही है, नील नितिन मुकेश एक अंडरकवर एजेंट है। ये जो स्टोरी है ये इंटरवल से पहले की स्टोरी है। चलिए अब बात करते हैं कि श्रद्धा कपूर और प्रभास की जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पे कैसी लग रही है। वेल, एज सच मुझे कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं दी दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री मुझे लगी नहीं, नॉर्मल था। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया दोनों का केमिस्ट्री वाइज। और ये जो मूवी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारी लोकेशंस पे शूट की गई है, ये इंडिया में, साउथ में, ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी सारे पार्ट्स में, मतलब वर्ल्ड के इसको शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, एक्शंस काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी में। बट जो मुझे कमी लगी इस मूवी में वो लगी डायरेक्शन की। डायरेक्शन की इतनी ज़्यादा कमी है, डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में करना क्या है इस मूवी में, इस सीन के बाद मुझे कौन सा सीन कराना है। और मतलब लाइक कि जो पार्ट होता है एक एक्टर और एक्ट्रेस का, वो एक्ट्रेसेस का, वो बेस्ड होता है डायरेक्शन पे और स्क्रिप्ट पे। अब बीइंग अ एक्टर आप तो वही प्ले करोगे जो आपको डायरेक्टर करवा रहा है एक्टर, और जो आपको प्रोड्यूसर बोल रहा है ऑब्वियसली, और जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बट उन्होंने काफ़ी सही किया अपने तरीके से, श्रद्धा कपूर प्रभास ने। बट जो फिल्म होती है वो एक हीरो हीरोइन के बेस पे ही चलती है क्योंकि बैकग्राउंड इतना कोई चेक नहीं करता है। बट जो इसका मुझे लगा, इसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी पिक्चर की, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर देंगी आपको, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ किससे जोड़ी जा रही है, ये किससे हो रहा है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट राइटिंग है, ख़राब डायरेक्शन है, पता नहीं किस बेसिस पे ये इतने पैसे खर्च किए गए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। थोड़े से और पैसे अगर आप स्क्रीन राइटिंग में खर्च कर देते तो शायद ये फिल्म जो ऐसी बनी है शायद उससे कहीं बेहतर निकल के आती। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं कि एक्टिंग कैसी थी दोनों की, तो आपको बता दूं श्रद्धा कपूर इज़ बेटर देन प्रभास। प्रभास बहुत बड़े हीरो हैं साउथ में और काफ़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन है वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी भी की है, बाहुबली और बाहुबली 2 को देख लीजिए, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है नो डाउट। उनके एक्शंस, उनके डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं बाहुबली में। अगर इस मूवी की बात करूँ तो मुझे जो इस मूवी में एक्टिंग लगी है, स्पेशली जो हिंदी में डब्ड है, मुझे कुछ खास एक्टिंग नहीं लगी। उनके एक्सप्रेशन मुझे बहुत ही सेम लगे हैं, बट उनकी जो अपीरियंस है वो स्क्रीन में काफ़ी अच्छी है, अपीरियंस नो डाउट। मतलब वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पूरी स्क्रीन को, क्योंकि उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है तो वो अलग से नज़र आ रही है स्क्रीन पर। बट अगर मैं उनके ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा ड्रेसिंग सेंस इस मूवी में। तो जो म्यूज़िक है उसमें मुझे सिर्फ एक ही गाना पसंद आया है, वो भी गुरु रंधावा का, इन्नी सोनी क्यों लगे तू मैनू। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फिल्म को लेकर, अगर मैं स्टार देना चाहूँ 5 out of इसको मूवी को, मैं कितने स्टार दूँगी, मैं इसको 1.5 star दूँगी या फिर 2 star मुश्किल से दूँगी। वो भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और मतलब लाइक कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो लिटरली आपको हैरान कर देंगे। आप एक्शन मूवी पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं वाली मूवी, बट अगर मेरे हिसाब से देखें तो मुझे जो पर्सनली अच्छी नहीं लगा इस मूवी में, वो स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है इस मूवी की। इतनी स्क्रिप्ट कमज़ोर है कि आपको पूरी मूवी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करके देखना पड़ रहा है मूवी को। अगर आप पैसे खर्च करके मूवी देखना जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये सोचेंगे कि आपको कम्फर्टेबली आराम से चीज़ें समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, अच्छी मूवी हो। बट इस मूवी में जो एक्सपेक्टेशन आप सोच के जा रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे ना, वो सारी आपकी पानी में चली जाएंगी।
एक्शन अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है. अगर म्यूजिक को की बात करें तो म्यूजिक ठीक ठाक म्यूजिक है, बट कोरियोग्राफी और डांस कुछ नहीं है म्यूजिक में. मतलब लाइक कि जो डांस है वो नील के बराबर है. मुझे जो प्रभास का डांस लगा, मुझे कुछ उन्होंने डांस किए ही नहीं. मुझे ऐसा लगा कि कोरियोग्राफर ने बहुत ही कंफर्टेबल स्टेप उन्हें दिए हैं जो उनको करने हैं. बाकी उनकी पर्सनालिटी तो काफ़ी अच्छी है ही, वो अलग से देख ही रही है चाहे वो स्टेप करे ना करे, क्योंकि जिस तरीके की उनकी हाइट है, पर्सनैलिटी है, उससे वो सारी चीज़ें कवर हो रही है. बट उन्होंने ऐसा डांसिंग डांस करने में कोई मेहनत नहीं करी है. श्रद्धा कपूर फिर भी बेटर है उनसे इस मूवी में. और अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, डायरेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये मूवी क्यों इतना पैसा खर्च करके बनाई है. इससे अच्छा तो कोई 10 करोड़ में अच्छी मूवी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ बना सकता है. मुझे लगता है कि उन्होंने राइटिंग पे कहीं भी पैसा खर्च नहीं किया. सारा जो पैसा खर्च किया वो एक्शन पे खर्च किया है, लोकेशंस पे खर्च किया है, सेट पे खर्च किया है. बट जो मेन स्क्रिप्ट है उस पर कहीं भी मुझे पर्सनली लगा नहीं कि उन्होंने पैसा खर्च किया है. जो कि उन्हें अगर वो शायद थोड़ा सा पैसा उस पर खर्च कर लेते तो जो मूवी हम देख रहे हैं शायद उससे फार फार बेटर बनती है मूवी. शायद इंटरनेशनली लेवल पे लोग इसे देखना पसंद करते अगर ये मूवी पे थोड़ा अगर ये स्क्रिप्ट पे पैसा खर्च कर लेते तो. डायरेक्टर ने बहुत ही अजीब तरीके से डायरेक्ट की है इस मूवी को. हर एक सीन के बाद गाना है. गाना शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को उस सीन से अलग करने के लिए शायद गाना लगा दिया है कि चलो अब इतनी टेंशन दे दी, अब इनको थोड़ा रिलैक्स कर दूँ इसलिए मैं गाना डाल देता हूँ. उसके बाद फिर एक टेंशन आ जाती है. मतलब इतने हौच पौच है ना इस मूवी में, पूरा सब कुछ मिक्स है. मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू साहू मूवी के बारे में. अब आपकी इच्छा है आप इसे देखना पसंद करेंगे या नहीं. That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इस रिव्यू को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डेलहाइट पारुल. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. आई एम एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. मैं वहाँ पर मोस्टली एक्टिव रहती हूँ, अपने पोस्ट डालती रहती हूँ वीडियो से रिलेटेड. सो थैंक यू.